साथियों, एक और विषय है जिसमें अगर हम देर करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और वो है फिनटेक। भारत के लोगों की हर नई चीज को एडॉप्ट करने की जो ताकत है ना, वो अद्भुत है जी। आज आपने देखा होगा कि फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले क्यूआर कोड लगा करके बैठते हैं और कहते हैं यहां पैसे दो। मंदिरों में भी डोनेशन वाले क्यूआर कोड लगा दीजिए, चलेगा। मतलब कि फिनटेक की तरफ एक वातावरण बना है। क्या हम तय कर सकते हैं, और मैं तो चाहता हूं रेगुलर कंपटीशन का एक वातावरण बने कि हर बैंक ब्रांच एटलीस्ट 100, ज्यादा मैं नहीं कह रहा, 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले क्लाइंट होंगे और टॉप में से होंगे। ऐसा नहीं कि भी कोई 1000-2000 रुपए वाला आया और उसको आपने वैसे 100 का, जो बड़े बड़े हैं 100% वो डिजिटली करेगा, जो भी कारोबार करेगा ऑनलाइन डिजिटली करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत हमारे पास यूपीआई प्लेटफॉर्म है जी, हम क्यों नहीं करते जी? अब हम ये सोचे, हमारे बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या स्थिति थी, क्लाइंट आते थे, फिर हम एक टोकन देते थे, फिर वो नोटे लेके आता था, चार बार गिनते थे, यूं यूं करते रहते थे, फिर दूसरा भी गिन करके वेरीफाई करता था, फिर सही नोट है गलत नोट है उसमें दिमाग खपाते थे। यानी एक क्लाइंट 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे से बड़ी मुश्किल से जाता था। आज मशीन काम कर रहा है, नोट भी मशीन गिन रहा है, सारे काम मशीन कर रहे हैं, तो वहां तो आपको टेक्नोलॉजी का बड़ा मजा आता है। लेकिन आप अभी भी, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन इस विषय को किस बात के लिए संकोच करते, मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। नफा या घाटा, उसी के तराजू से इस मिशन को मत सोचिए दोस्त। ये जो छलांग लगाने का कालखंड है ना, उसमें फिनटेक भी एक बहुत बड़ी पटरी है, जिस पटरी से गाड़ी दौड़ने वाली है। और इसलिए मेरा आग्रह है, हर बैंक ब्रांच कम से कम 100, ये आजादी के अमृत महोत्सव में इसको हम साकार करके रहें कि 2022 15 अगस्त के पहले इस देश में एक भी बैंक की ब्रांच नहीं होगी जिसमें कम से कम 100 ऐसे क्लाइंट नहीं होंगे जो 100% अपना कारोबार लेन देन डिजिटली न करते हो। अब देखिए बदलाव आपको पता चलेगा। जनधन ने जो ताकत का आपको अनुभव करवाया है, उससे अनेक गुना ताकत की अनुभूति छोटे छोटे सामर्थ्य से दिखेगी। हमने देखा है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुझे लंबे समय तक राज्य में सेवा करने का मौका मिला, तो हम हर साल बैंक के लोगों के साथ बैठते थे और इश्यू रिजॉल्व करना, कुछ आगे का सोचना, चर्चाएं करते थे। और मैंने अनुभव किया कि एक बात के लिए सभी बैंक बड़े गौरव से एक बात कहते थे, और वो कहते थे साहब, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम पैसे देते हैं, समय से पहले लौटाते हैं, पूरा का पूरा लौटा देते हैं, हमें कभी चिंता नहीं रहती है। जब आपका इतना बढ़िया पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो इसको बल देने के लिए आपकी प्रोएक्टिव कोई योजना है क्या? हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पोटेंशियल इतना ज्यादा है जी, हमारा इकोनॉमी का ग्रास रूट लेवल का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स वो बन सकते हैं।
मैंने बड़े बड़े लोगों की बात नहीं की है, मैंने छोटे छोटे लोगों की बात की है कि मुझे पता है कि धरती पर फाइनेंस की आधुनिक व्यवस्थाएं सामान्य नागरिक की आर्थिक मजबूती का बहुत बड़ा आधार बन सकती है। मैं चाहता हूं इस नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ, छलांग लगाने का मौका है ही है, जमीन तैयार है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं बार बार कह चुका हूं, बैंक वालों को 50 बार कह चुका हूं, मैं आपके साथ हूं। देश हित में सत्य निष्ठा से किए हुए किसी भी काम के लिए आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, देश ये मेरा वीडियो क्लिपिंग अपने पास रखिए, मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं, आपके लिए हूं। सत्य निष्ठा से, प्रामाणिकता से देश हित के लिए काम में कभी गलतियां भी होती हैं, अगर ऐसी कोई कठिनाई आती है तो मैं दीवार बनकर के खड़े रहने के लिए तैयार हूं।